नमस्कार। हम बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल की। आज हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के स्पेशलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो जब हम एलिमेंट्री कैनाल की स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो स्पेशलाइजेशन होते हैं टू एकोमोडेट स्पेशलाइज्ड डाइट। तो यहाँ पर फूड जो है, सबसे पहले हम बात करें तो फूड जब इससे ट्रेवल करता है तो ऐसी स्थिति में उसे डाइजेशन के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। तो इसी हिसाब से एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ भी चाहिए। तो इस कारण क्या होता है, ऐसे में लेंथ की इंक्रीज आपको देखने को मिलती है, साथ ही साथ कई में ट्रेवल टाइम को बढ़ाने के लिए स्पाइरल वाल्व भी देखने को मिलेंगे। तो ट्रेवल टाइम जो फूड का है उसके दो माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, एक तो लेंथनिंग करके एलिमेंट्री कैनाल के और दूसरा स्पाइरल वाल्व के माध्यम से। जैसे कि एंट ईटिंग एकिडना या पेंगोलिन को अगर हम देखेंगे तो इनके अंदर आपको लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से टेरिस्टियन एलिमल जो कि स्ट्रिक्टली कार्निवोर होते हैं, उनमें क्योंकि जल्दी से पच सकता है तो इसलिए उनमें शॉर्ट अनस्पेशलाइज्ड इंटेस्टाइन देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से हर्बीवोर्स में अगर आप देखेंगे, जैसे कंगारू, कोला, स्लोथ, राइनोसरोस, रैबिट, जेब्रा, ये हर्बीवोर्स हैं, तो इनके अंदर आप इंटेस्टाइन को देखेंगे तो इंटेस्टाइन जो है वो स्पेशलाइज होती है टू प्रमोट फर्मेंटेशन। प्लेटिपस जो है वो एक्वेटिक इंसेक्ट और वर्म्स को खाता है। तो यहां पर हम देखेंगे इसमें सिंपल स्टोमक और इंटेस्टाइन पाई जाती है। तो डाइट के अनुरूप इंटेस्टाइन का आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, जैसे मैंने वाल्व वगैरह बोला, उसी तरह से टिफ्लोसोल आप देखेंगे, लार्वल लैम्प्रे में मौजूद है जो साइट ऑफ हीमोपोएसिस है, लेकिन ये साथ ही साथ ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए। जबकि एडल्ट लैम्प्रे में देखेंगे तो ये टिफ्लोसोल लॉस्ट हो जाता है और उसकी जगह कई सारे लॉन्जिट्यूडनल फोल्स म्यूकोसल वाल में आ जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करने का ही काम कर रहे हैं। दूसरा कि डाइट के अनुरूप एक्सपांसन्स और एक्सटेंशन्स आपको एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्रॉप देखने को मिलेगा आपको बर्ड में, जो कि एक ब्रैग लाइक एक्सपांसन है इसोफेगस का फूड को टेम्परेली स्टोर करने के लिए। इसी तरह आपको मेमल में सीकम मिलेगा जो कि एक ब्लाइंड एंडेड आउटपाउचिंग होती है जिसके माध्यम से फूड जो है वो सर्कुलेट होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस में। थर्ड रीजनलाइजेशन। कई बार रीजनलाइजेशन हमें नए रीजन का विकास देखने को मिलता है। जैसे कि सामान्य हम देखें तो सिंगल इंटेस्टिनल ट्यूब होनी चाहिए, लेकिन कई एनिमल में स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, स्मॉल है, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके का। तो रीजन कई बार डिवाइड भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं। जैसे क्लोइका है, वो सभी में आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्लोइका की जगह कई एनिमल्स में सेपरेट आउटलेट्स मौजूद होते हैं। चलिए सबसे पहले हम फिश की बात करें तो ओस्टेकोडम फिश के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमको बहुत ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन इनके अंदर हम देखें तो वहां पर कोइल्ड फर्टिलाइज फीकल कास्टिंग देखने को मिलती है। तो उससे अंदाजा लगता है कि उनमें स्क्रॉल इंटेस्टाइन मौजूद होनी चाहिए। साइक्लोस्टोमेट्स में बात करें तो एलिमेंट्री केनाल स्ट्रेट ट्यूब जैसी है विदाउट एनी कोइल फोल्ड्स और मेजर बेंड्स। इसोफेगस सीलेटेड है, स्टोमक अलग से मौजूद नहीं है।
और इनकी अगर हम डाइट की बात करेंगे तो इसमें स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर, ब्लड, टिश्यू ये मौजूद होता है। फिशेज में आगे हम बढ़े तो जो पैरासाइटिक लेम्प्रे हैं, तो वहां एंटीरियर जो इंटेस्टाइन है वो स्पेशली इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए, और साथ ही साथ ऑस्मोरेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पोस्टीरियर रीजन इस इंटेस्टाइन का, वहां पर आपको प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन और बायोरिवीलिंग का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। तो इनमें हम लैम्प्रे में देखें तो ईसोफेगस के बाद डायवर्टिकुलम, ये इंटेस्टाइन है, ऑस्मोरेगुलेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम, फैट ऑब्जॉर्प्शन एंटीरियर रीजन में, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन पोस्टीरियर रीजन में, बिलवर्डिन और आयरन एक्यूमुलेशन ये पोस्टीरियर में, म्यूकस सिक्रेशन भी पोस्टीरियर रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं नेथोस्टोमेट्स में, तो वहां आपको काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। जनरली आपको यहाँ पे ईसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन देखने को मिलेंगी। स्टोमक डिफ्रेंशिएटेड नहीं मिलेगा, खासतौर पर काइमेराज में, लंग फेशेज में और कुछ टीलियोस्ट में। और अगर स्टोमक प्रेजेंट है तो सामान्यतः ही ये जे शेप का दिखेगा, जहां पर जे की जो वाइड आर्म है वो फंडिक होती है और नेरो आर्म जो होती है वो पाइलोरिक रीजन को रिप्रेजेंट करती है। शार्क में हम बात करें तो फंडस में जो म्यूकस लेयर है वो स्ट्रिएटेड मसल्स उसमें मौजूद होती हैं, और पोस्टीरियर रीजन में स्मूथ मसल्स होती हैं, जो वॉल ऑफ फंडक है उसमें मसल लेयर म्यूकस नहीं। इंटेस्टाइन में स्पाइरल वाल मौजूद होता है लिम्फ मेम्ब्रेन की और प्रिमिटिव बोनीफिश की, पर ये स्पाइरल वाल जो है टीलियोस्ट में एब्सेंट होते हैं। टीलियोस्ट की हम बात करें तो यहां पर आपको इलोंगेटेड इंटेस्टाइन मिल सकती है जो कि कोइल्ड हो सकती है। टर्मिनल एंड है वो रेक्टम के रूप में मौजूद होगा, रेक्टम अक्सर प्लोइका में ओपन होती है एनल ओपनिंग के। लेस्मोब्रैंक में देखें तो रेक्टल ग्लैंड्स मौजूद होती हैं। रेक्टल ग्लैंड का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये एलिमिनेट करती है एक्सेस सॉल्ट को जो कि डाइजेशन के दौरान इंजेस्ट कर लिया गया है। अधिकांश मोनिफिसेस में पाइलोरिक सीका पाई जाती है जो कि ओपन होती है ड्यूडेनम में, जहां पर कि स्टमक और इंटेस्टाइन मिल रहे हैं। ये जो पाइलोरिक सिका है 200 तक हो सकती है कुछ टीलियोस्ट में। ये प्राइमरी एरिया डाइजेशन का है और एब्जॉर्प्शन का है फूड का। यहाँ पर फर्मेंटेशन चैम्बर्स मौजूद नहीं होते। एम्फीबिया में हम बात करें तो ईसोफेगस शॉर्ट होती है और ये ग्रेजुअली ट्रांजिट करती है स्टमक में। यहाँ पर आपको सिंगल या डबल लेयर म्यूकस लेयर देखने को मिलेगी, गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करते हैं जिससे, और सिलेटेड सेल्स यहाँ देखने को मिलेंगी। जो स्टमक की म्यूकसा है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, फंडिक ग्लैंड्स मौजूद होती हैं और पाइलोरिक ग्लैंड पाइलोरिक रीजन में मौजूद होती हैं। इंटेस्टाइन जो है वो कॉइल स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफ्रेंशिएटेड होती है, जिसका फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम कहलाता है और शॉर्ट स्ट्रेट लार्ज इंटेस्टाइन होती है जो कि अल्टीमेटली क्लोएका में एम्प्टी होती है, खाली होती है। रेप्टाइल्स में एलिमेंट्री कैनाल एम्फीबिया के जैसी ही होती है, लेकिन कई छिपकलियों में जो स्टमक है वो हैवी वॉल्ड और मस्कुलर होता है। रेप्टाइल्स में डिस्टिंक्ट लार्ज इंटेस्टाइन प्रायः पाई जाती है। कुछ हर्बीवोरस लिजार्ड्स में हम देखें तो उनमें सीकम भी प्रेजेंट होगी इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में,
जो क्लोइका है जनरली दो हिस्सों में हमें डिफ्रेंशिएटेड देखने को मिलता है। एक कहलाता है कॉप्रोडियम, जिसके अंदर के लार्ज इंटेस्टाइन एम्प्टी होती है, और यूरोडियम, जिसमें यूरोजेनिटल सिस्टम जो है वो एम्प्टी होता है। रेप्टाइल्स में ही एक ग्रुप है जिसको क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स आते हैं, उनमें आपको गिजार्ड देखने को मिलेगा। एक स्पेशलाइज्ड रीजन है ये, रीजन ऑफ स्टमक इंडो विथ स्पेशली थिक मस्कुलेचर। यहाँ पर क्या है, थिक मस्कुलेचर है ताकि फूड को ग्राइंड किया जा सके, और इसके लिए यहाँ पर ये हार्ड ऑब्जेक्ट को भी इंजेस्ट करते हैं, छोटे छोटे पत्थर जानबूझ करके, ताकि उनके साथ फूड को यहाँ इंजेस्ट ग्राइंड किया जा सके। उसके बाद का जो स्टोमक का रीजन है वो थिन वॉल्ड होता है और ग्लैंडुलर होता है, जहां पर उसमें गैस्ट्रिक जूस ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको गिजार्ड देखने को मिलेगा। बर्ड में जो है वहां पर आपको ईसोफेगस से इन्फ्लेटेड क्रॉप बनती है, यहाँ पे फूड टेम्परेली रोका जाता है, साथ ही साथ बर्ड्स इसको रिगर्गिगेट भी कर सकती है अपनी नेस्टलिंग के लिए। आपने देखा होगा चिड़ियाएं जो अपने बच्चों के लिए भोजन लेके आती हैं, तो भोजन उनका उस टाइम क्रॉप में रखा रहता है जिसको वो वापस से उगल देती हैं। प्रिजन के अंदर यही जो क्रॉप होती है वो एक न्यूट्रिशनल फ्लूड सिक्रीट करती है, जिसे हम कहते हैं क्रॉप मिल्क, जिसे वो अपने यंग वंस को कई दिनों तक हैचिंग के बाद में उस चीज से भोजन पोषण देते हैं। इसोफोगेस आगे एक थिन वॉल्ड ग्लैंडुलर स्टोमक सेक्शन तक जाती है, जिसको कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। ये भी एक स्पेशलाइजेशन आपको बर्ड में देखने को मिलेगा, जो कि कनेक्टेड होता है पोस्टीरियर गिजार्ड से। जो प्रोवेंट्रिकुलस है ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है, जिसके कारण डाइजेशन में मदद मिलती है। और जो गिजार्ड है, जैसे कि आपको मालूम है, ये ग्राइंड करने को आता है। बर्ड्स भी कई बार डेलिब्रेटली कुछ हार्ड पार्ट और कंकड़ वगैरह भी खाते हैं, ताकि ग्राइंडिंग में मदद मिल सके। तो ये बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें आप लॉन्ग कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे, जिसमें ड्यूडेनम और इलियम होगा। लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्ट और स्ट्रेट होती है, जो कि क्लोइका में ओपन होती है। कई स्पीसीज में एक या एक से अधिक सीकम मौजूद होती हैं, इस जो कि इंटेस्टाइन से निकलती हैं, खासतौर पे वहां जहाँ लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन एक दूसरे से मिल रही है। मेमल्स में अगर हम बात करें तो मेमल्स में क्रॉप मौजूद नहीं होती, और साथ ही साथ स्टोमक में किसी तरह का गिजार्ड का फॉर्मेशन भी नहीं देखने को मिलता। लेकिन कुछ सिटेशियंस में जो स्टोमक या इसोफेगस है वो एक्सपांड होके पाउच बना सकती है, जो कि क्रॉप की तरह ही फूड को स्टोरेज करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक डाइजेशन प्रारंभ हो जाता है। मेमल्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है, कॉइल्ड होती है, और सामान्यतः हिस्टोलॉजिकली वो ड्यूडेनम, जेरियनम और इलियम में डिफ्रेंशिएट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन अक्सर लंबी होती है और अल्टीमेटली रेक्टम में एंड होती है। हर्बीवोर्स में सीकम मौजूद होती है, जहां पर लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन कर रही हैं उस जगह पर। अगर हम ह्यूमन में बात करेंगे तो ह्यूमंस के अंदर मच रिड्यूस्ड सीकम मौजूद होती है, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, और खास तो अगर इसको हम सही कहें तो इसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये सीकम का ही रिड्यूस्ड रूप है। मोनोट्रिमेट्स में और कुछ मार्सुपियल्स में लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्लोइका में टर्मिनेट करती है। प्लासेंटल मेमल्स के अंदर ये डायरेक्टली एनल आउटसाइड ओपन होती है थ्रू एनल स्फिंक्टर। रूमिनेंट्स में
जो भोजन को कैटल्स खासतौर पर रूमिनेंट्स होते हैं उनका स्टोमक हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। यहाँ पर आपको चार चैम्बर दिखेंगे, पहला रूमेन दिस वन, उसके बाद सेकंड दिखेगा आपको जहाँ ये जालीदार आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं रेटिकुलम, और उसके बाद तीसरा जो चैम्बर है उसको हम कहते हैं ओमसम। तो रूमेन, रेटिकुलम और ओमसम, ये जो तीन सेक्शन है ये एक्चुअली ईसोफेगस से डिराइव होते हैं, और चौथा जो सेक्शन है दैट इज ओबमिसम, ये एक्चुअली ट्रू स्टमक है। तो कैमल में ट्रू ओमसम नहीं पाया जाता है, तो वहां तीन ही चैम्बर होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम जो कि ईसोफेगस से डिराइव हुए हैं, और एबोमसम जो कि स्टोमक से डिराइव हुआ है। लार्ज रूमेन जो है वो फूड को रिसीव करती है जो कि सीधा स्वेलो किया जाता है। रेटिकुलम छोटा होता है, एसेसरी चैम्बर होता है जिसका टेक्सचर, क्यों नाम पड़ा इसका रेटिकुलम, क्योंकि टेक्सचर हनीकॉम जैसा होता है। जो रूमेन है और रेटिकुलम है ये इसोफेजियल एपिथीलियम से ही लाइंड होती है, हालांकि ये फोल्डेड होती है। कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक जो तरह की रीजन है और उनकी म्यूकेसा है, ये केवल ओमसम में ही पाई जाती है जो कि एक्चुअली ट्रू स्टमक है, बाकी रीजन में ये नहीं पाई जाती है। हर्बीवोर्स के हम अंदर बात करें तो इनको प्लांट का डाइजेशन करना होता है और ये डाइजेशन सीकम में होता है। सीकम के अंदर अक्सर एडिशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जो इफेक्टिव होते हैं सेल्यूलोज डाइजेशन करने में। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम इन नटशेल देखें तो ये सिंपल ट्यूब होता है जहाँ रीजनलाइज्ड फंक्शंस देखने को मिलते हैं। ये एक कन्वोल्यूटेड हाईवे है जहाँ फूड जाता है, डाइजेस्ट होता है और अल्टीमेटली विभिन्न सिस्टम्स के माध्यम से ये एनर्जी ऑर्गेनिज्म को मिलती है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको कई सारे फूड के साथ साथ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, टॉक्सिक्स भी मिलते हैं। तो इनसे बचाव के लिए एलिमेंट्री कैनाल के जो वॉल्स हैं, खासतौर पर इंटेस्टाइन की वॉल में, वहाँ पे आपको लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स मिलेंगे जो कि इम्यून सिस्टम को नज़दीक लाते हैं इन पैथोजेंस के, ताकि उन्हें निपटा जा सके। तो ये हमने स्पेशलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।